अगर आप शेन वॉन को बेस्ट प्लेयर एंड स्पोर्ट्स पर्सन मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 जून 2008 की तारीख को कौन भूल सकता है। यह वही तारीख है जब शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल की पहली चैंपियन बनी थी। आईपीएल शुरू होने से पहले कोई भी राजस्थान की टीम को फेवरेट नहीं मान रहा था, लेकिन स्पिन के जादूगर का जादू उस आईपीएल में भी चला था और कागज पर कमजोर दिखने वाली टीम को चैंपियन बनाया था। तब चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी टीमों को मजबूत माना जाता था। हार या जीत पर वॉर्न अपनी टीम से सिर्फ एक ही चीज कहते थे, जीत को सिर पर नहीं चढ़ाओ, हार पर ज्यादा निराश भी ना हो। एक युवा टीम को तब वॉर्न के रूप में एक समझदार और अनुभवी कप्तान मिला था। उनके नेतृत्व में राजस्थान ने सीएसके, आरसीबी, केकेआर जैसे दिग्गज टीमों को हराया था और सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। राजस्थान की टीम ग्रुप स्टेज में नंबर एक पर रही थी। 2008 आईपीएल का फाइनल मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। आखिरी ओवर में खुद शेन वॉर्न और सुहेल तनवीर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने ही टीम को चैंपियन बनाया था। वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कभी नहीं बन पाए, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने राजस्थान टीम की कमान संभाली थी और चैंपियन बनाया, वह इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।